झीरी के बालाजी महाराज के भंडारे में थंगदा पहुंचे भाजपा नेता। कराहल ब्लॉक के ग्राम थंगदा में झीरी के हनुमान जी पर अनंत चतुर्दश पर ग्रामीणों के सहयोग से राठौर समाज द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भंडारे में भाजपा के पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महावीर सिंह सिसोदिया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं अतिथि के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुजीत गर्ग, भाजपा उपाध्यक्ष राघवेंद्र घाट, पूर्व मंडल अध्यक्ष जुगनू सिकरवार भी उपस्थित रहे। जहाँ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व अतिथियों का स्वागत ग्रामवासियों द्वारा किया गया। वहीं भंडारे में ग्रामवासियों की मांग पर मुख्य अतिथि द्वारा पेयजल व्यवस्था आ रही परेशानियों के चलते हैंडपम्प खनन करवाए जाने की सौगात दी गई। इस अवसर पर भांडेर में थेंगड़ा के ग्रामीणों के साथ आसपास के गांव के निवासियों के साथ ही शिवपुर के लोगों ने भी प्रसादी खनन कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की। मैं आज अनंत चतुर्दशी जो अपने को बुद्धि देता है ऐसे देवता का आज विसर्जन है। हम सबने देखा है कि गणेश उत्सव पूरे शिवपुर में, शिवपुर के साथ संपूर्ण जिले और भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से पिछले सप्ताह से आयोजित है। हम सब देख रहे हैं कि अभी एक घंटे बाद शिवपुर शहर में गणेश विसर्जन का भव्य कार्यक्रम होगा, लेकिन आज ये गरिमापूर्ण कार्यक्रम आपने भी रखा। मैंने जैसे जानकारी प्राप्त की कि यहाँ भंडारे का भी आयोजन है, मैंने उसमें ये जो भंडारे का आयोजन करता है राठौर समाज, मैं मन की गहराई से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और विशेष तौर पे जो अमूल्य समय निकाल कर ये जनता जनार्दन जो डेंगदा और डेंगदा के आसपास के जो यहाँ आस्था रखते हैं बालाजी महाराज पे, वो सब लोग आए, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि वो आज भी इस भौतिक युग में ईश्वर के प्रति जहाँ चाहे कितनी दूरी हो लेकिन अपना विश्वास पूरा अर्पित करते हुए उनसे जैसी भी बात रखते हैं वो बालाजी महाराज उनकी पूर्ण करते हैं। मंचासीन सम्मानीय पूर्व विधायक दुर्गालाल जी, मंचासीन सम्मानीय नगर पालिका प्रतिनिधि रेणु सुजीत गर्ग मेरे साथ आए, नगर बड़ौदा के शिवपुर के पूर्व अध्यक्ष जुगनू जी शुक्रवार, रणवीर जी, भेरूलाल जी और सभी अभी जो यहाँ उपस्थित है मंच पे, राघवेंद्र सिंह जी जो जिले के उपाध्यक्ष हैं, सभी सम्मानीय जनता जनार्दन बहने। विषय आज केवल आप सब लोगों के दर्शन करने का था। बड़ा सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ कि हमें कुछ आयोजककर्ताओं ने बताया कि आज वहाँ बालाजी पे झंडा रोहण होगा और सारी जनता जो आसपास की है वो झंडा चढ़ाएगी और आप सब लोग उसमें आए। आप सबको देखकर बहुत प्रसन्नता है। आपने जो विषय रखे हमारे पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय दुर्गालाल जी ने उसमें से एक बात को ठीक तरह से स्वीकार किया। पावन पवित्र स्थान पे भी वही बात करना चाहिए जो पूर्ण हो सके। वकील साहब ने कहा कि ये जो स्थान है ये वन विभाग में आता है, ये सच है कि ये वन विभाग में आने के कारण कई बार हम चाहे वो नल की बात हो चाहे वो सड़क की बात हो, वन विभाग की सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए सारी व्यवस्थाओं से गुजरने के बाद कोई नया निर्माण कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया। मैं भी अपनी ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी वकील साहब जिस तरह के भी इस जो यहाँ उत्खनन नल का होगा उस पर उत्खनन के कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे तो मिलजुल कर इस उत्खनन का कार्य हम पूर्ण करेंगे और वन विभाग से भी आग्रह करेंगे, आपकी बात को वन विभाग के सामने रखेंगे कि वन विभाग ने जो ये सड़क निर्माण कर रखी है इसको ठीक और व्यवस्थित बनाए ताकि आवागमन आसानी से यहाँ दर्शनार्थी आ सकें और इस बालाजी के पवित्र स्थान पर अपनी आस्था के केंद्र पर अपनी बात को रख सकें। पक्के निर्माण की बात जहाँ तक वकील साहब ने कही सच है कि पक्का निर्माण वन विभाग में जब तक अनुमति प्राप्त नहीं होती कोई नया निर्माण नहीं होता, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस वजह से पक्के निर्माण की बात यह था, जब हमारा ये बालाजी कृपा करेगा वन विभाग के अधिकारियों पे, जनप्रतिनिधियों पे, तब वो संभव होगा। पुनः इस पावन पर्व पर, अनंत चतुर्दशी पर आपको शुभकामना देता हूँ और बालाजी महाराज से निवेदन करता हूँ उनके चरणों में कि ये क्षेत्र चाहे ढेंगदा हो, शिवपुर से आए हुए जितने भी यहाँ भक्तगण हैं उनकी जो भी मनोकामना है, जो भी उनके मन में भाव है, जिस तरह के भी वो विचार लेके इस देवता के दरबार में आए वो पूर्ण करेगा। पुनः इसी बात के साथ अपनी बात को विराम